फ्रेंड्स, इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा कि पैनक्रियास या स्वादुपिंड क्या है, उसका कैंसर का क्या तकलीफ है और उसके लक्षण क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से टेस्ट है जो हमें पैनक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उससे बचने के लिए या पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर पहला वीडियो किसी ने मिस कर दिया है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो अब ये सवाल है कि क्या पेशेंट को पैनक्रियाटिक कैंसर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो जिन पेशेंट्स को, जैसे हमने आगे बात की, ऐसे लक्षण का डाउट होता है तो उनको एक एक्सपर्ट पैनक्रियाटिक सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को अगर जांच करने पे डाउट लगे तो वो कुछ टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें अगर जॉन्डिस की मात्रा ज्यादा आए, पीलिया की मात्रा ज्यादा आए, तो वो एक चिन्ह होता है। अगर डॉक्टर को डाउट लगता है तो वो आपके पेट की सोनोग्राफी सजेस्ट कर सकते हैं, और डाउट ज़्यादा लगे तो पेट का सीटी स्कैन या एमआरआई कराने पर हमें कंफर्म पता चल सकता है। दूसरे कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, मतलब एंडोस्कोपी के द्वारा अंदर से ही सोनोग्राफी करके ट्यूमर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर डाउट लगे तो उसी टाइम पे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते समय हम बायोप्सी भी करके ट्यूमर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सब जो टेस्ट है उसके हिसाब से डॉक्टर आप में पैनक्रियाटिक ट्यूमर है या नहीं वो नक्की कर सकते हैं, और ट्यूमर का कौन सी स्टेज चल रहा है वो पता कर सकते हैं। आपके ट्यूमर के स्टेज के हिसाब से डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट की आगे की जानकारी दे सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर किसी को पैनक्रियाटिक ट्यूमर कंफर्म हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है और कैसे होती है। तो हर पेशेंट की ट्रीटमेंट उस पेशेंट की तकलीफ और उसके स्टेजिंग के हिसाब से अलग अलग होती है। इस ट्रीटमेंट में अमूमन आपका पैनक्रियाटिक सर्जन, आपका ऑन्को फिजिशियन और आपके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट तीनों मिलकर ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं। जनरली अगर पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है तो पहले पीलिया की ट्रीटमेंट के लिए हमें पित्त की नली में स्टेंट डाल के पीलिया कम करने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसी टाइम पे पेशेंट को सही न्यूट्रिशन और खान पान के बारे में बताया जाता है, ताकि आगे चल के अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी या सर्जरी की जरूरत पड़े तो वह ट्रीटमेंट पेशेंट आराम से सहन कर पाए और ट्रीटमेंट पूरी कर पाए। कभी कभी ट्यूमर आगे बढ़ा हुआ होता है तो ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी वह ट्रीटमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है। कौन सी सर्जरी करनी है, यह पैनक्रियास के कौन से हिस्से में ट्यूमर है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वैसे तो पैनक्रियास ट्यूमर ऑपरेशन काफ़ी जटिल और मुश्किल सर्जरी है, पर अभी अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से यह सर्जरी काफ़ी सेफ है। अगर कोई अनुभवी पैनक्रियाटिक सर्जन अच्छे अस्पताल में, अच्छे ऑपरेशन थिएटर में यह सर्जरी करता है तो पेशेंट की रिकवरी काफ़ी स्मूथ और अच्छी तरह से होती है। ऑपरेशन के बाद जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या रेडिएशन की ज़रूरत है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। अमूमन ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद पेशेंट को पैनक्रियाटिक कैंसर से छुटकारा पाने का अच्छा चांस रहता है। पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, सर्जरी वगैरह ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो उन पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें मेनली उनके खाने पीने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनको और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसका ध्यान रखना, उनका मनोबल बनाए रखना, उनके फैमिली का और पेशेंट का सही तरीके से काउंसलिंग करना, उनको सही जानकारी पूरी ट्रांसपेरेंसी से देना, यह सब चीज़ें पेशेंट का मनोबल बना के रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़रूरत पड़े
तो काउंसलर की हेल्प लेके उनकी काउंसलिंग भी करना जरूरी है। अगर ट्रीटमेंट के सारे पहलू सही तरीके से हो जाए तो रिकवरी बहुत ही अच्छे से हो पाती है और एक होलसम ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूमर से या इस पैनक्रेटिक कैंसर की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? तो वैसे जैसे हमने आगे देखा, कुछ ऐसी आदतें होती है जिसमें धूम्रपान या दारू पीना और तम्बाकू के सेवन से अगर हम दूर रह पाते हैं, अगर हम अपना वजन कंट्रोल में रख पाते हैं, अगर डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हैं और कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो तो सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करके सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाके जाँच करा लेते हैं तो हम ये बीमारी या उसकी तकलीफों से बच पाते हैं। पैनक्रेटिक कैंसर मतलब कैंसर नहीं है। हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं, सिर्फ हमें हमारे समाज में कैंसर की वजह से होने वाले डर को मिटाना है। थैंक यू।